Hey guys, this is Ankita and you are watching Onki's Glamour World. So let's get started. Hey guys, so मैंने आज सोच लिया कि मैंने एक ऐसे फेस पैक के बारे में बोले जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल और फायदेमंद हो. तो आप सोच रही है कि वो कौन सा चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. आपने क्लियरली देख सकते हो कि मेरे फेस में अभी कितने सारे पिंपल्स के स्पॉट हुए हैं, आप देखिए, और यहाँ से भी यहाँ तक भी बहुत सारे स्पॉट मेरे फेस पे हुए हैं, और ये सारे एक्टिव एक्ने हैं जो हमें बहुत पेन दे रही है. सो हमें सोचा कि क्यों ना हम एक मैजिक कर देंगे जैसे ये सारे एक्ने सिंपली गायब हो जाए और मुझे एकदम तकलीफ ना मिले. हमने कोई पार्लर से ना जाके, कोई फेशियल ना करके, हम एक ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट हमारी फेस पे करेंगे, इसे करके हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाले है. चलिए और लेट ना करके बात को आगे बढ़ते हैं. अब सभी ने जानते हैं कि टर्मरिक यानी कि हल्दी हमारी स्किन के लिए कितने ज्यादा इफेक्टिव है, और अब सभी ने यह भी जानते हैं कि साड़ी की साड़ी मैक्सिमम की जो स्किन केयर प्रोडक्ट होती है उसमें हल्दी के इस्तेमाल कर जाते हैं. और उन्होंने जब हल्दी के इस्तेमाल उन सारी प्रोडक्ट में कर लेते हैं, इतना कहते हूँ कि आपसे मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं आपकी स्किन के लिए. तो चलिए हम इस हल्दी के लेके एक अच्छे फेस मास्क के बारे में आपको बताएं जो यूज करके ही आपको एक बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलेगा. और मेरे जो एक्टिव एक्ने है अभी फेस में और जो पिंपल का जो ब्लैक स्पॉट भी है वो भी सारे रिमूव हो जाएगा. तो चलिए आप देख लेते हैं कि सिर्फ हल्दी ही नहीं, हम इस फेस पैक को तैयार करने में किस किस चीज को इस्तेमाल कर रही है. फ्रेंड्स, और भी एक बात आपको बतानी है कि हमने इसी वक्त हमारी फेस में कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है, बस हमारी लिपस्टिक जो है वही अप्लाई करके रखी है और वीडियो में नो इफेक्ट है. चलिए उस फेस पैक को अब हम बना लेती है, तो फिर हमारी स्किन में यानी कि फेस में हम उस फेस पैक को अप्लाई करेंगे. मैंने एक बोल में हल्दी को अच्छे से पेस्ट कर लिया है. मैंने जो वो होते ना जो हमारे पीस पीस करके हम ग्राइंड कर लेते हैं जो होते हैं मोटर और ग्राइंडर, मैं उसी को खरीद लिया था मार्केट से. वो मोटर और ग्राइंडर से हमने ये हल्दी जो है उसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है. और आप देख सकते हो ये है कार्ड, वन स्पून कार्ड लेनी है आपको. और हल्दी जो है वो आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको एक्टिव एक्ने को रिड्यूस करेगा, उसको पेन को भी खत्म करेगा. और जो दही है वो आपको ऑयली स्किन को जो एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं ना उसको अच्छे से रिमूव कर देंगे. फ्रेंड्स, अब बिलीव मी ये फेस मास्क बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं. सो आप देखिए हमें इसमें क्या क्या मिलाना है. अब देख सकते हो कि हमने एक बोल में 2 स्पून बेसन ऐड किया है और इन बेसन को हमने इस बोल पे ट्रांसफर कर लेना चाहिए. बेसन क्या करते हैं, बेसन का बहुत सारा क्लींजिंग इफेक्ट है और आपको जो एक्ने की प्रॉब्लम है ना उसमें भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. हम हनी को भी इस फेस पैक को बनाने के लिए ऐड करूँगी. देखिए बहुत ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, जस्ट 1 टीस्पून आप देख सकते हैं. बस हनी को क्या प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, हनी को एक्ने हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं. और हनी आप सभी ने जानते हैं कि हनी को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होगा, जो एक्ने के जो पेन होते हैं उसको भी धीरे धीरे से ये हील करेगा. और अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है डाबर गुलाबोरी का प्रीमियम रोज वाटर, आप देख सकते हैं. इस रोज वाटर को भी हमें इस फेस पैक को अच्छे से ऐड करने चाहिए. आप देख सकते हैं कि हमने रोज वाटर मिला लिया है. और चलिए हमें अब फेस पैक को मिक्स करने की बारी है फ्रेंड्स. तो फेस पैक को अच्छे से मिक्स करने ला चाहिए, यानी कि इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा रानी भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए. तो चलिए इस फेस पैक को हमने मिक्स कर लेती है. अच्छे से ये मिक्स हो गई है. देखिए हम इस फेस पैक को आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो. जब इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे आपको धीरे धीरे से अच्छे से मसाज करके इस फेस पैक को अप्लाई कर लेना है. तो चलिए फ्रेंड्स हम हमारी फेस में इस फेस पैक को अप्लाई कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स आपको बस ऐसे से क्वांटिटी लेके आपको फेस में अप्लाई कर लेना चाहिए. आप देख सकते हो मैंने हमारी फेस पे अप्लाई करती हूँ. इस फेस पैक को अच्छे से आप अप्लाई करेंगे
बस ऐसे धीरे धीरे से हल्के हाथों में ठीक ऐसे ऐसे करके आपको जो नेक है आपको जो घर और जो थ्रोट के जो पोर्शन है आप उसमें भी इस फेस पैक को अप्लाई कर लीजिए। आप देखिए मैं अच्छे अच्छे से हल्के हाथों से इस फेस पैक को अप्लाई कर रही हूँ हमारे फेस पे। बस ऐसे ही हमारी जो फोरहेड का पोर्शन है उसमें भी हम इस फेस पैक को अप्लाई कर रही है। अब देखिए बस ऐसे ऐसे करके हल्के से मसाज करना है, ज्यादा नहीं क्योंकि ये फेस पैक है कोई मसाज क्रीम नहीं है। अब देखिए ऐसे ऐसे आईज के आसपास भी आपको मसाज करना है और आईज का जो पोर्शन है जो रिमेनिंग पोर्शन उसमें इस फेस पैक को अवॉइड कीजिए क्योंकि आईज में जल सकती है। और इसका जो ग्लो और रिजल्ट मिलेगा आपको फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और फायदेमंद होगा आपकी स्किन के लिए। आप देख सकती हो हमने जो फेस मास्क है उसको हमें हमारी जो फेस है उसमें हम अप्लाई कर लिया है। अब इस फेस पैक को हमारे चेहरे में 10 to 15 मिनट्स इस फेस पैक को ऐसे ही रहने देना चाहिए या फिर सो दैट ये फेस पैक आपको चेहरे में अच्छे से सीट हो जाए और आपको एक टाइटनिंग इफेक्ट मिले। 10 to 15 मिनट्स के बाद हमारी फेस जो है उसको वॉश करके नॉर्मल वाटर से वॉश करके हम फिर ब्लॉग शूट करने आते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने हमारे फेस को क्लीन अप कर लिया है जस्ट नॉर्मल वाटर से ही हमारे फेस को वॉश करके बस बैठे हैं। और वॉश करने के बाद हमने क्या किया हमने फेस को जस्ट ऐसे ऐसे हल्के हाथों में ऐसे ऐसे हल्के से मसाज करके देन हमने फेस को वॉश कर लिया। यहाँ का पोर्शन देखिए एक सॉफ्ट ग्लो हमारी फेस में आपको बिल्कुल नजर आएगा। आप देखिए और फोर्थ जो ब्लॉग होगा हमारी चैनल को आप उस ब्लॉग में हमारी फेस को जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारी फेस में जो एक्टिव एक्ने आपको इसी वक्त नजर आ रही है फ्रेंड्स उन एक्टिव एक्ने को आप रिड्यूस्ड होने देखेंगे और देखेंगे हमारी फेस में जो पिंपल के जो ब्लैक स्पॉट है ना फ्रेंड्स उस स्पॉट को भी आप धीरे धीरे से फेडेड होने देखेंगे। और जिन लोगों को टर्मरिक की एलर्जी है अपने स्किन पे हम उस लोगों को बोले कि इस टर्मरिक फेस पैक को आप बिल्कुल भी यूज ना करें उनके लिए मैं अच्छी स्किन ब्राइटनिंग और ग्लोइंग फेस पैक बता दूंगी मेरी अगली ब्लॉग पे। बाजार में जो फेस पैक मिलते हैं जो कि आयुर्वेदिक ब्रांड का होते हैं और नेचुरल केमिकल फ्री ब्रांड का होते हैं फ्रेंड्स उस फेस पैक पे ही वो लोग बोलते हैं कि वो कोई भी केमिकल यूज नहीं करती है उस फेस पैक को बनाने के वक्त। बट ट्रस्ट मी गाइस उन्होंने फेस पैक को बनाने के वक्त कोई ना कोई केमिकल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो कहने का मतलब है कि ये फेस पैक पूरी की पूरी ही नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया गया है और ये आपके स्किन के ग्लो के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सिर्फ ग्लो ही नहीं जिनको फेस में एक्ने जस्ट भर गया है अपने फेस में और एक्ने का जो स्पॉट और स्कार है वो फेड नहीं हो रहा है और एक्टिव एक्ने एक्ने ब्लेमिशेस और एक्ने स्पॉट स्कार और स्किन का जो रैशेस होते हैं और जो मेचेदा के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी स्किन पे स्किन को हर एक हैजर्ड दे रही है स्किन पे उन लोगों को भी मैं ये फेस पैक जरूर सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये फेस पैक सिर्फ आपको स्किन के ब्राइटनिंग और ग्लोइंग के ही नहीं हर एक स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सो फ्रेंड्स आप इस फेस पैक को आपको चेहरे पे आपको हैंड्स पे भी आप यूज कर सकते हैं टैनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। और इस फेस पैक को हम सजेस्ट करते हैं हर एक फेस पैक को ही रात को अप्लाई करना चाहिए जैसे कि हमने अभी रात को ही अप्लाई किया इस फेस पैक को। और फेस पैक को अप्लाई करने के बाद एक अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। आप इसी वक्त एक मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपको फेस को एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। सो फ्रेंड्स आप कमेंट करके तो बताइए कि इस फेस पैक आपको कैसा लगा और इस फेस पैक को यूज करने के बाद आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ आप कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ जाने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स सभी के लिए अंकित ग्लैमर वर्ल्ड इज सेइंग बाय बाय टू यू। Stay tuned, stay happy, stay healthy and stay productive. Ta-da! See you!